नमस्कार दोस्तों, नेट शो इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 26 से 28 सितंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। पांचवी राशि लेते हैं, सिंह राशि यानी लियो। 26 सितंबर का दिन आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जब आप स्थिरता पूर्वक किसी भी गंभीर मामले पर विचार करेंगे। आपकी गंभीरता और आपकी धीरता काबिले तारीफ होगी। आप जितना ज़्यादा शांत भाव से किसी सब्जेक्ट पर, किसी मैटर पर, किसी विषय पर विचार करेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 26 सितंबर के दिन आप किसी मामले पर अगर कोई निर्णय ले लेते हैं तो उस निर्णय को दूसरों पर तब तक न थोपें जब तक कि इसकी घोर आवश्यकता ना हो। लोग वैसे ही आपकी बात को मान जाएंगे क्योंकि आपके व्यक्तित्व में एक प्रकार का ग्रेस, एक प्रकार की चमक होगी। इस दिन लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे, लोग आपसे डरेंगे भी और लोग आपका सम्मान भी इस दिन करेंगे। अपने आप को एक हायर, एक ऊंची पोजीशन पर बनाए रखें। 26 सितंबर के दिन किसी भी स्थिति में निम्न स्तर पर ना उतरें, निम्न स्तर की बातें ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 27 सितंबर के दिन आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहाँ आप देखेंगे कि आपका कोई कार्य लगभग पूरा हो चुका है या समाप्त हो चुका है और अब आप इस बात के लिए थोड़ा सा चिंताग्रस्त हैं कि आगे आपको क्या करना है। भविष्य के प्रति एक अनजान चिंता से ग्रसित रहना इस दिन आपको हो सकता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आपने पहले भविष्य की योजनाएं बनाई थी कि आपको इस समय क्या करना है। एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि 27 सितंबर को अगर आपका कोई कार्य पूर्ण हो गया है तो उसकी पूर्णता के विषय में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बातचीत ना करें जिसका नुकसान आपको ही हो जाए। दूसरों की खिल्ली ना उड़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन अपने आप को गतिमान बनाए रखें। आप थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे कि तनाव से ज़्यादा आपका कार्य महत्वपूर्ण है, आपका जीवन महत्वपूर्ण है, तो आप इस चीज़ के प्रति तनाव से निकल पाएंगे। लेकिन एक प्रकार का तनाव आपके अंदर बना रहेगा कि भविष्य में क्या होना है और भविष्य की आशंका से आप सारा दिन ग्रस्त रहेंगे। हालांकि आपका इन आशंकाओं से ग्रस्त रहना किसी फायदे में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। 27 सितंबर के दिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि लोगों द्वारा आपको जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उसके रिवार्ड में, उसके रिवर्स में आप भी लोगों को सहयोग करें। परिवार का सहयोग इस दिन बना रहेगा, मित्रों का सहयोग और सानिध्य भी इस दिन प्राप्त होता रहेगा। 28 सितंबर के दिन आप अपने आप को लेकर ऐसी पेशोपेश की स्थिति में होंगे जब आपको लगेगा कि आप उतने लायक, उतने काबिल नहीं हैं जितना पहले हुआ करते थे। आपको अपने ऊपर थोड़ा शक होगा, ईश्वर के प्रति थोड़ी नाराजगी होगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि ईश्वर ने आपके साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों कर रखा है। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर नहीं चाहते कि आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो पाएं, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ईश्वर के प्रति ज़्यादा उलाहना का भाव अपने मन में ना रखें। ईश्वर के प्रति एक प्रकार की श्रद्धा रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा अपने ऊपर विश्वास रखना। आप अपने ऊपर जितना विश्वास रखेंगे, अपनी क्षमताओं को जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, उतना फायदे में रहेंगे। संभावना इस बात की ज़्यादा है कि आपको अपनी क्षमताओं से इग्नोरेंस हो जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा आप क्या क्या कर सकते हैं और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और आप तनाव में भी आ जाएंगे। अपने आप को तनाव से बचाना है तो खुद को याद दिलाइए कि आप कितने काबिल हैं, आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं और आपकी क्षमता कितनी है। इन तीनों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 26 27 अच्छे दिन हैं, 28 तारीख बढ़िया नहीं है। वैवाहिक दृष्टिकोण से तीनों दिन अच्छे हैं, लेकिन 28 तारीख को आप अपने जीवन साथी से किसी प्रकार का तनाव महसूस कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करें तो सबसे बढ़िया दिन 26 तारीख है, 27 तारीख सामान्य है, 28 अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 26 से 28 सितंबर तक के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।